हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिन्हें मैं आपको डिफरेंस के साथ क्लियर करना चाह रही हूँ। सो, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में मतलब मेनली कुछ टर्म्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो पहली हमारी टर्म है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये दोनों ही क्या होती है, हमारी शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स या एसेट्स आप कह सकते हो, शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स और एसेट्स हैं जो कंपनी या बिजनेसेस जो होते हैं उनके करंट एसेट्स जो होता है ना, करंट एसेट्स या करंट अकाउंट भी हम कह देते हैं, लेकिन मेनली हम करंट एसेट्स ही यूज करते हैं। मैं यहाँ पे करंट अकाउंट लिख रही हूँ, उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स और एसेट्स जो हैं वो किसी कंपनी या बिजनेस के करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। ये क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स और एसेट जो हैं वो किसी कंपनी या बिजनेस जो होती हैं उसके अंडर में, करंट एसेट्स के अंडर में आते हैं। ये हाईली लिक्विड है, मतलब कि कैश कन्वर्टेबल है। अब इनको अगर डिफरेंस के बेसिस पे देखें, कैश और कैश इक्विवेलेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो सिंपली ये कैश क्या है, मनी है। जैसे कैश होल्डिंग इन बैंक, जो भी आपका बैंक में कैश होता है वो, या आपके कैश इन हैंड यानी आपकी जो हैंड में कैश होता है, नोट्स कॉइन्स, वो कैश। कैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी एसेट और इन्वेस्टमेंट, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स या कोई कुछ भी, इसमें भी एसेट आ सकता है, इसमें भी। ये जो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स वगैरह, इनकी मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी शॉर्ट होती है, मतलब कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के होते हैं, जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं ये। और ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं ईजिली। कैश तो जो ऑलरेडी आपके हाथ में कैश है, जो ऑलरेडी है आपके हाथ में या बैंक में, और कैश इक्विवेलेंट जो आपने जैसे आप खरीद के या सेल करके कैश में कन्वर्ट करोगे, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कैश है, आप इसको खरीद रहे हो, आप ट्रेजरी बिल को खरीद रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कैश दे रहे हो। और अगर हम बाय कर रहे हैं, वो सॉरी सेल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम इन ट्रेजरी बिल्स को, सेल में क्या हो रहा है, सेल में ट्रेजरी बिल्स को हम सेल कर रहे हैं, तो इन्हें बेच कर हमें क्या मिल रहा है, कैश। तो ये क्या हुआ, इजली कैश में कन्वर्टेबल है। आप जब भी सेल करना चाहें, आप इन्हें ट्रेजरी बिल्स को इजली सेल करके, कमर्शियल पेपर्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे अगर हम प्रॉपर्टी को लें, प्रॉपर्टी ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने में आपको टाइम लगता है। तो जो आपके इजली कन्वर्टेबल हो, जिन्हें आप 90 डेज या 3 मंथ्स के अंदर आप इजली कैश में बदल सकें किसी भी चीज़ को, जिसके बदले में आपको कैश मिल सके, वो आपका कैश इक्विलिब्रियम है। जबकि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसे बेचने में आपको टाइम लग जाता है, हम नॉर्मली लेके चलते हैं, वो कैश इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम इसे बेचने में 1 साल का टाइम लग जाता है। इजली आपके पास ग्राहक अवेलेबल हो, अगर आप अर्जेंट बेसिस पे इसे बेचना चाह रहे हो प्रॉपर्टी पे, तो रेयर केसेस मतलब होते हैं कि आपको इजली कोई बायर मिल जाए, टाइम लग जाता है बायर मिलने में। अब कैश इक्विलिब्रियम में हमारे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट और भी होते हैं, मतलब एसेट्स और इन्वेस्टमेंट और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, ये क्या हुए हैं, तो ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट एसेट्स, लेकिन ये कैश इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं कहलाते हैं।
क्राइटेरिया है कि आपका कैश इक्विवेलेंट के पार्ट में नहीं आएंगे ये आपके, ये बाकी आपके एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेजरेबल कमर्शियल पेपर्स, ये चीज़ें जो आती हैं आपके कैश इक्विवेलेंट के पार्ट होते हैं। बॉन्ड स्टॉक्स डेरिवेटिव जो हैं आप लगभग 3 दिन के अंदर अंदर इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो कैश के, इजिली कैश कन्वर्टेबल होते हैं ये भी, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं होते। ईजिली कन्वर्टेबल है लेकिन ये बॉन्ड स्टॉक्स जो हैं ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कैश आपका जो आपके पास कैश है बैंक में या आपका कैश इन हैंड है, और कैश इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम देखो नाम भी बता रहा है कैश इक्विलिब्रियम, मतलब कैश के जो इक्वल है, जो इक्वल है कैश के, जिसे आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सको, इक्वल है कैश के, वो आपका क्या है इजिली कन्वर्टेबल पार्ट आपका क्या कहलाता है, कैश इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम का हम क्राइटेरिया लेते हैं कन्वर्टेबल का, ये लेते हैं 90 डेज या आप कह सकते हो 3 मंथ्स। क्लियर। अब इसमें हमारे और भी, इसे आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। मैं आगे, अब आगे जा बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मैंने कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। पहला हमारा है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जनरली क्या होता है इसमें, लो होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है जनरली। अगर हम दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो होते हैं हमारे उनसे कंपेयर करें तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, लेकिन बाकी ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। और अकाउंट टाइप पे टाइम पीरियड क्या होता है इसका, टाइम पीरियड इसका कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं है, नो फिक्स्ड टर्म। आप विड्रॉ या डिपॉजिट किसी भी टाइम कर सकते हो, एनी टाइम, तो टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। नेचर की बात करें हम इसकी, तो नेचर कैसी है, ये एक डिपॉजिट अकाउंट है। यहाँ आप क्या करते हो, मनी अपना बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो ना, आप कैश डिपॉजिट करते हो सेविंग अकाउंट में, तो डिपॉजिट अकाउंट है ये। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बैंक के द्वारा, बैंक प्रोवाइड। जहां पे क्या होता है, डिपॉजिटर जो है, डिपॉजिटर यानी कि जैसे अगर आप बैंक में जाकर पैसा जमा कर रहे हो, जो डिपॉजिटर होता है वो जो उसके अकाउंट में बैलेंस होगा, जितना भी बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अर्न करता है। साथ ही ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो सेविंग अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट इसमें कम होगा, बाकी बैंक टू बैंक और अकाउंट टाइप पे भी डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड जो है वो कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, विड्रॉ और डिपॉजिट कभी भी कर सकते हो। नेचर डिपॉजिट अकाउंट है ये, बैंक जिसे प्रोवाइड करता है, बैंक में जाते हो अपने डिपॉजिट अकाउंट होते हैं जहाँ आप कैश डिपॉजिट करते हो, और यही जो डिपॉजिटर होता है यानी कि जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है वो डिपॉजिटर है, उसका जो अकाउंट में बैलेंस है उस पर वो इंटरेस्ट रेट अर्न करता है। और यही, ये क्या होता है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे आपको पैसे खोने का डर कम होता है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम इसे कहते हैं, यहाँ आपके रिस्क कम होता है। सेकेंड है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, FD जिसे हम कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कैसा होता है इसमें, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट है यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, FD फिक्स्ड है यानी कि इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड है। यूजुअली ये क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है अगर हम सेविंग अकाउंट से कंपेयर करें, सेविंग अकाउंट के मुकाबले ये कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।
इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। टाइम पीरियड, अब फिक्स्ड डिपॉजिट का टाइम पीरियड कैसा होता है, ये कुछ महीनों से, फ्यू मंथ्स से, फ्यू ईयर्स तक हो सकता है, कुछ साल तक, डिपेंड करता है आप कितने टाइम का फिक्स डिपॉजिट ले रहे हो, फ्यू मंथ से फ्यू ईयर्स तक का हो सकता है। इस जब टाइम पीरियड में, जो भी आपका टाइम पीरियड है जिसके लिए आपने उसे इन्वेस्ट वहाँ पे सेव करा है अपने मनी को, उस टाइम पीरियड में आप उसे कांट भी विड्रॉ। Can't be withdrawn before maturity, यानी कि उसकी maturity से पहले आप उसे withdraw नहीं कर सकते हो, time period इसका fixed है। Nature कैसी है इसकी, अभी आप समझ लो, लिखना मत, बाद में मैं आपको एक जगह स्क्रीन आपको दिखा दूंगा, वहां पे इसको लिख लेना तब। इसे भी बैंक प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय बैंक, एफडी आप कहाँ करते हो, बैंक में, या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके पास, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं बैंक के अलावा जो आपको एफडी की फैसिलिटी देते हैं कि आप यहाँ पे एफडी करा सकते हो। आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हो फिक्स पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड होता है, अमाउंट भी फिक्स होती है, आपका पीरियड भी फिक्स होता है, कितने समय के लिए आपका मनी जो है वो वहाँ पे लॉक हो जाता है, उतने पीरियड के लिए जितने टाइम के आप जो है अपनी एफडी लेते हो, और उस पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है मैच्योरिटी तक। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, ज़्यादा होता है इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में, टाइम पीरियड कुछ महीने से कुछ साल तक हो सकता है, बैंक टू बैंक पॉलिसी वो कौन, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है क्या कौन कौन सी वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कितने टाइम पीरियड की, उस पर डिपेंड करता है। अब मैच्योरिटी से पहले से विड्रॉ नहीं कर सकते हो अपने मनी को, नेचर क्या है, बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इसकी फैसिलिटी देते हैं आप मनी डिपॉजिट करने की फिक्स्ड अमाउंट की, फिक्स्ड पीरियड तक के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, और ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड्स। इंटरेस्ट रेट कैसा है इसका, फिक्स्ड है, यूजुअली ज्यादा होता है सेविंग अकाउंट से, ज्यादा देन सेविंग अकाउंट, ठीक है। और टाइम पीरियड कैसा होता है इसमें, इसमें आपका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है फ्यू मंथ से सेवरल इयर्स तक हो सकता है, ये सेवरल इयर्स तक, फ्यू इयर्स तक नहीं, ये सेवरल इयर्स तक होता है। और इसमें मैच्योरिटी डेट जो होती है प्री डिटरमाइंड है, नेचर, नेचर कैसी है इसकी, ये डेब्ट सिक्योरिटी का टाइप है, डेब्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, तो ये डेब्ट सिक्योरिटी का एक टाइप है। इन्वेस्टर जो है लोन देता है एक तरह से गवर्नमेंट या किसी कंपनी को फॉर फिक्स्ड पीरियड एट फिक्स्ड इंटरेस्ट,
लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो बॉन्ड्स क्या हैं, बॉन्ड्स क्या हुए, इंटरेस्ट रेट इनका फिक्स्ड हुआ, ये ज़्यादा होते हैं इंटरेस्ट रेट, आपको ज़्यादा मिलता है सेविंग अकाउंट के मुकाबले, टाइम आपका फिक्स्ड होता है कुछ महीने से कुछ साल तक का हो सकता है, मैच्योरिटी डेट जो होती है प्रीडिटरमाइंड होती है, नेचर जो होती है डेट सिक्योरिटी का एक टाइप है, डेट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे क्लासेस में, एक तरीके से हम अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इन्वेस्टर जो होता है लोन देता है मनी गवर्नमेंट या कंपनी को फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, और ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नाउ म्यूचुअल फंड, मनी सेव करनी है फ्यूचर के लिए, इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियल सेक्टर में, नॉलेज लेनी है फाइनेंशियल सेक्टर में, करियर बनाना है फाइनेंशियल सेक्टर में, एडवाइजरी देनी है फाइनेंशियल सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है म्यूचुअल फंड का, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड की नॉलेज होना, म्यूचुअल फंड की बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रैक्टिकल नॉलेज होना, उसमें अपना आप करियर बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप म्यूचुअल फंड का NISM का सर्टिफिकेशन कोर्स में आप उसका एग्जाम भी दे सकते हैं 5-year सीरीज का। इसके लिए हमारा एक कोर्स है म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जिसमें पोर्टफोलियो बनाना, इक्विटी डेट्स की इनडेप्थ नॉलेज, इसके अलावा ट्रेनर रेशियो, शार्पे रेशियो जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, और आपको प्रैक्टिकली साइट्स ऑफ ऐप का भी ओवरव्यू दिया, इसमें पूरा सिखाया जाएगा किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। म्यूचुअल फंड का क्या है, इंटरेस्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये वेरिएबल करता है, एक तो वेरिएबल होता है इंटरेस्ट रेट, और डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे फंड्स की। इंटरेस्ट रेट वेरिएबल होता है, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो फंड के अंदर जो एसेट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के अंदर एसेट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। टाइम, टाइम की अगर हम बात करें तो कोई फिक्स्ड नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो यूजुअली आपकी जो होती है उसमें जो फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में जो आप टाइम पीरियड होता है, जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड होता है, वो आप इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होल्ड करके रखते हो आप कुछ सालों तक। अगर हम इसकी नेचर की बात करें, नेचर कैसी होती है, एक तो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, ऑप्शन है। ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड पुल करता है मनी कई सारे इन्वेस्टर्स से, मल्टीपल इन्वेस्टर्स से, और इन्हें इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, या किसी भी सिक्योरिटी में, अदर सिक्योरिटी में। मीडियम रिस्क होता है इसमें, वैसे तो इसमें मीडियम रिस्क होता है, बाकी आप किसमें इन्वेस्टमेंट करो उस पर भी, चीज़ों पे भी डिपेंड कर जाता है। हम नॉर्मली मीडियम रिस्क लेके चलते हैं, इसमें मीडियम रिस्क है, हाई भी, लो भी, मीडियम भी, कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन नॉर्मली मीडियम रिस्क लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, इंटरेस्ट रेट वेरिएबल होता है, जो फंड म्यूचुअल फंड के अंदर एसेट्स आती हैं उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है, यूजुअली एक कुछ सालों तक का हम लेके चलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कुछ सालों तक इन्वेस्ट करोगे। ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। आप यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स डिफरेंट मल्टीपल इन्वेस्टर्स से मनी जो है वो पूल की जाती है और उन्हें इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, या और भी सिक्योर आती हैं म्यूचुअल फंड्स में उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, एसेट्स आती हैं, और एक हम इसे मीडियम रिस्क इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं कि मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट है ये। नाउ शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं, अगर इसका हम इंटरेस्ट रेट लेके चलें तो ये वेरिएबल है,
डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। कंपनी कैसा परफॉर्म करी, अच्छा तो अच्छा रिटर्न, अगर नहीं तो बेकार। मतलब तो ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट, इसलिए वेरिएबल करता है। टाइम कोई फिक्स टर्म नहीं है, जितने टर्म के लिए आप रखना चाहें रख सकते हैं इसमें, होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने पैसे को आप कर सकते हैं। कुछ यूजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने होल्ड करके रखते हैं शेयर्स फ्यू ईयर्स तक। नेचर की बात करें, इसकी नेचर कैसी होती है, नेचर है इसकी एक तो इसमें हम ये कहते हैं कि शेयर्स मतलब एक तरह हम क्या शेयर का मतलब क्या हुआ, इसकी नेचर क्या हुई, कि इसमें हम यूजुअली क्या कहते हैं कि कंपनी में किसी भी कंपनी में उसकी उसमें एक ऑनर बनने का, उसकी एक तरह से ऑनरशिप लेने का तरीका है, कंपनी ऑनरशिप लेने का ये एक तरीका है, टाइप है, ठीक है, कंपनी ऑनरशिप का एक टाइप है। नॉर्मल टर्म्स में अगर इसे कहें, शेयर्स में क्या होते हैं, आप जितना शेयर्स लेते हैं, जितना पार्ट ऑफ शेयर्स लग रहे हैं कंपनी का, उतने शेयर्स के आप उसके कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ये हाई रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, इसमें हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये। तो क्या हुआ, शेयर्स वेरिएबल करते हैं, डिपेंड करते हैं कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है। टाइम जो होता है इसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, कुछ सालों तक हम नॉर्मली लेके चलते हैं कि शेयर्स को हम कुछ सालों तक, इन्वेस्टर जो है कुछ सालों तक इसे होल्ड करके रखेगा, अपने पास रखेगा। और नेचर जो है कंपनी की ओनरशिप का, हम कहते हैं कि एक कंपनी की ओनरशिप का लेने का टाइप है ये, जिसमें आप जितने शेयर्स लेते हो उस हिसाब से आप उतने पार्ट के ऑनर बन जाते हो उस कंपनी में, और इसमें हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विटी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं, इसमें हम इक्विटी को मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से क्लियर करना चाहूँगी, इसको कंपेयर अलग तरीके से करना चाहूँगी। बाकी हम इक्विटी के बारे में आगे की क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पिछली क्लासेस में भी हम थोड़ा थोड़ा कवर करते आए हैं इक्विटी को, आगे की क्लासेस में भी आपको थोड़ा थोड़ा इक्विटी का पार्ट, डिफरेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, और एक आपको डिटेल में क्लास भी आपको इसकी मिलेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारा कुछ एक ही क्लास में सीख जाते हैं, टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ जिस तरह से जरूरत पड़ती रहेगी जिस भी टर्म की, उस हिसाब से आपको उसकी नॉलेज और अच्छे से आगे क्लासेस में आपको मिलती रहेंगी। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो ये एक कंपनी में ओनरशिप लेने का तरीका है, ये भी शेयर्स की तरह ही है, ये भी इक्विटी एक तरह में क्या है, इसमें भी आप एक तरह से कंपनी के ओनरशिप में एक पार्ट ले लेते हो, उसमें लेने का एक तरीका है शेयर्स के टाइम फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में। तो अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कंपनी की यहाँ पे भी ओनरशिप ले रहे हो, और यूजुअली किसके टर्म फॉर्म में, यूजुअली शेयर्स की फॉर्म में। तो पहले मैं आपको इक्विटी और शेयर्स के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। शेयर्स क्या है, यूनिट्स ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी, जबकि इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या है, नेट वर्थ है कंपनी की। यूनिट्स ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी आप क्या होगा, आपका शेयर्स में कहलाएगा, और इक्विटी को क्या कहते हैं, नेट वर्थ आपकी कंपनी की। शेयर्स को हम क्या कहते हैं, शेयर्स स्पेसिफिक टाइप हो गए इक्विटी में, जो मतलब शेयर जो है इक्विटी को रिफर करता है, रिप्रेजेंट करता है, शेयर जो है इक्विटी को एक रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक हम कहते हैं टाइप है। ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो ऑनरशिप जो होती है कंपनी में, अगर हम ऑनरशिप की बात करें, ऑनरशिप कहें अगर हम, ऑनरशिप किसी भी कंपनी में इक्विटी में शेयर्स के अलावा भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं
जैसे कि हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो ये आपके हो सकते हैं प्रिफर्ड स्टॉक या रिटेन्ड अर्निंग, तो क्या है ऑनरशिप, किसी भी कंपनी में ऑनरशिप लेने का इक्विटी में शेयर्स के अलावा भी अदर अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि प्रिफर्ड स्टॉक्स, रिटेन्ड अर्निंग, ये आपके हो गए। अब अगर हम इक्विटी को, इसमें ना मैं आपको कंपैरिजन में जो बताई थी, अब मैं आपको इक्विटी को ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूंगी यहाँ पे। ट्रेडिंग में क्या होता है, इक्विटी में वो स्टॉक्स जो ट्रेड किए जाते हैं, ट्रेडेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, इक्विटी स्टॉक्स, इक्विटी क्या करता है, इक्विटी रिफर करता है कि स्टॉक जो ट्रेडेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज पर। और दूसरा हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग, जो इक्विटी है, इक्विटी में जो ट्रेडिंग हम करते हैं उसमें आपका बाय और सेल करना आता है शेयर्स का, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में। अभी मैं आपको यहां तक का समझाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी कैसे कहते हैं। ट्रेडिंग में क्या कहते हैं हम, इक्विटी जो है, इक्विटी ट्रेडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे इक्विटी जो होता है वो रिफर्स करता है उन स्टॉक्स को जो ट्रेडेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ट्रेडिंग इन इक्विटी को हम क्या कहते हैं कि ये ट्रेडिंग इन इक्विटी जो है वो इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व करता है बाय और सेल करना शेयर्स को पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में। और ये पब्लिक ट्रेडेड कंपनी क्या होती है, ये इसका मतलब होता है वो बिजनेस जिनकी ओनरशिप शेयर्स के रूप में अवेलेबल है, एज अ शेयर अवेलेबल है पब्लिक के लिए, किसके लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि क्या है यहाँ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, तो ये वो बिजनेस ओनरशिप है, उस वो बिजनेसेस, उन बिजनेसेस की ओनरशिप है एज अ शेयर्स अवेलेबल होती हैं पब्लिक के लिए। सॉरी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। हाँ, हम यहाँ पे थे कि पब्लिक ट्रेडेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि वो बिजनेसेस जिनकी ओनरशिप जो है शेयर्स के रूप में अवेलेबल होती है पब्लिक के लिए बाय और सेल करने के लिए, पब्लिक के पास होती है, क्योंकि पब्लिकली कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, तो पब्लिक के पास सेल और बाय करने का इनका ऑप्शन होगा शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर आप इन्हें बाय और सेल कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो आप, कौन, पब्लिक, कौन कर सकता है, पब्लिक, इन्हें हम पब्लिकली हेल्ड कंपनी भी कहते हैं। अब अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखूं इक्विटी को, तो हम क्या कहते हैं, इक्विटी जो होते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारा, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इक्विटी क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए होता है। इसमें क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स, जिस क्या कहते हैं इसमें इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं और उन्हें होल्ड करके इस पे अर्न करते हैं, जितने लंबे टाइम के लिए ये होल्ड करके रखेंगे उस हिसाब से उन्हें अर्निंग होती रहेगी, उतने टाइम तक अर्निंग होती रहेगी। इसमें हम एक बात का ध्यान रखते हैं, अगर बिजनेस ने, जिस कंपनी का आपने शेयर लिया है,
इक्विटी लिया है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, उसमें आपका अगर कंपनी ने बिजनेस ने उस कंपनी ने के बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या होगा, कंपनी की वैल्यू, बिजनेस कंपनी वैल्यू भी बढ़ेगी और इन्वेस्टर ने जो मनी इन्वेस्ट किया था, जो उसकी इन्वेस्टेड इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इक्विटी क्या हुआ, एक इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें क्या होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर जो है कंपनी के शेयर्स को अपने पास होल्ड करके रखते हैं और उन पे अर्न करते रहते हैं, जितने टाइम तक के लिए वो होल्ड करके रखेंगे उतने टाइम तक वो अर्न करेंगे। जब कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी की वैल्यू और इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टेड वैल्यू है दोनों बढ़ेंगी, जब खराब परफॉर्म करेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो कंपनी और इन्वेस्टर की वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू दोनों कम हो जाएंगी। अब इसमें एक और पॉइंट आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो उनके शेयर्स के हिसाब से कुछ प्रॉफिट का पार्ट उन्हें दे देती है, जो वो प्रॉफिट में से पार्ट निकाल कर अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड क्या हो गया, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगी कंपनी अपने प्रॉफिट में से, जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से एक पार्ट है वो शेयर होल्डर्स को दे देगी, क्या करेगी देगी। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पार्ट जो होगा, जो डिविडेंड का पार्ट होगा शेयर होल्डर्स का, डिविडेंड पार्ट जो होगा शेयर होल्डर्स का वो उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा कि उन्होंने कितने शेयर्स को होल्ड करा है, उनके कितने शेयर्स हैं उस कंपनी में, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना किसी ने दो शेयर खरीदे उस कंपनी के और उसको तो मिल गया 100 रुपये प्रॉफिट में से, और किसी ने 6 शेयर कर लिए और उसे मिले केवल 10 रुपये, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितने शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उसके हिसाब से प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, ये गलत होगा ऐसा करना। तो जितने शेयर्स उसके हिसाब से आपको जो कंपनी में जितने भी शेयर्स होंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा सभी शेयर होल्डर्स के बीच में। तो इक्विटी कुछ नहीं है, इक्विटी सिंपल टर्म्स में हम बात करें, एक कंपनी में ऑनरशिप होती है जो कि यूजुअली किसके फॉर्म में होती है, शेयर्स के फॉर्म में होती है। और शेयर्स और अगर हम इक्विटी के बीच का पहले अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो यूनिट्स, हमने देखा था ये कि शेयर जो होते हैं यूनिट्स ऑफ ऑनरशिप होती है कंपनी में, जबकि जो इक्विटी होती है वो नेट वर्थ होती है किसी भी कंपनी की। शेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के होते हैं और जो इक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें ऑनरशिप में, तो ऑनरशिप जो होती है कंपनी में, इक्विटी में शेयर्स के अलावा अदर टाइप के ऑनरशिप भी आप ले सकते हैं, जैसे प्रीफर्ड स्टॉक से, रिटेन अर्निंग से। और हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर इक्विटी को देखें तो इक्विटी जो होते हैं वो रिफर्स करते हैं उन स्टॉक्स को जो ट्रेडेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पर। ट्रेडिंग जो होती है इक्विटी में वो क्या होती है, इन्वॉल्व करती है बाय और सेल करना शेयर्स को पब्लिक ट्रेडेड कंपनी में। पब्लिक ट्रेडेड कंपनी मतलब वो बिजनेस और ऑनरशिप किसी भी शेयर की जहाँ पे ऑनरशिप शेयर्स के रूप में अवेलेबल होती है पब्लिक के लिए, और स्टॉक एक्सचेंज पर ये बाय और सेल कर सकती है पब्लिक, इन्हें पब्लिक होल्ड कंपनी भी कहते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो इक्विटी जो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्विटी में क्या कहते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी के वो शेयर्स को होल्ड करके अर्न करते हैं, और अगर बिजनेस जैसा परफॉर्म करेगा इक्विटी में वैसे ही इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के इन्वेस्टेड वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वैसे ही कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, और इन्वेस्टर की इन्वेस्टेड वैल्यू भी अगर गंदा परफॉर्म किया, बेकार परफॉर्म किया, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, ये भी डाउन हो जाएंगे। और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड किसी भी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके उन्हें जो होता है कंपनी प्रॉफिट देती है, प्रॉफिट का एक पार्ट देगी, पूरा प्रॉफिट नहीं देगी, प्रॉफिट का एक पार्ट देगी और उसे डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग।
अब आप इसको यहाँ पर, मैं आपको इस तरह से, मैंने आपको डिफरेंस इसका आज क्लियर किया है, ये आपको इस तरह से इसका डिफरेंस क्लियर किया था। अब मैं आपको इसको जूम करके एक एक चीज़ आपको दे रही हूँ, आप इसे अपने पास चाहे इस तरह से आप कंपैरिजन के बेसिस पे अलग अलग जैसे भी आप लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं। सो मैं अब इसे जूम कर रही हूँ। पहले कैश इक्विवेलेंट हमने समझा था, कैश इक्विवेलेंट का आपके पास ये रहा पॉइंट पूरा, आप इसे लिख सकते हैं। पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। फिर सेविंग पर हम आते हैं, सेविंग का मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, इसे पॉज करके आप लिख लीजिए। फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड इक्विटी, शेयर्स आपका ये रहा पॉइंट और इक्विटी का आपका ये रहा, और इन दोनों के बीच में शेयर्स एंड इक्विटी के बीच का डिफरेंस यहाँ नीचे ग्रीन पार्ट में है, ठीक है। और सो आप इसे लिख लीजिए अपने पास अपने हिसाब से। यहाँ मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म थे इनके बीच का कन्फ्यूज़न आपको डिफरेंस बता के क्लियर कर दिया है, किसमें कितना आपका इंटरेस्ट रेट, कितना टाइम पीरियड, नेचर कैसी है, क्या डिफरेंस है। नॉर्मली लोगों को शेयर्स और इक्विटी में दिक्कत होती है, वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड में आपको कंपैरिजन इसमें बताया है। तो ये कंपैरिजन केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए नहीं है, इसलिए भी है कि आप इसको इनके बेसिस पे आप ये ध्यान रखें कि आपको किसमें फ्यूचर में कितना किसमें इन्वेस्ट करना है। इनके आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना टाइम पीरियड के लिए है और क्या नेचर है इनकी, कितना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपका, कैसा रिस्क है इसमें, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, कैसा रिस्क है इनमें। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ये फ्यूचर में आपको जब आप डिसीजन लेंगे कितना आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए है केवल कंपैरिजन को समझाया, समझाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आपको थ्योरेटिकल वैसे ही समझाया है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी आपका तब आएगा जब आप इसे इन्वेस्टमेंट आप अपने डिसाइड करेंगे स्टार्ट करना, तो वहाँ आपके ये हेल्प करेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट ये आपका वहाँ पे हेल्प करेगा। वैसे देखा जाए म्यूचुअल फंड जो है आपका पूरा थ्योरी पे ही डिपेंड है, कैलकुलेशन तो बहुत थोड़ा आएगा, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट में वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं आपको ये चीज़ें जो हैं जैसे कैलकुलेशन सीख रहा है और ये हैं पॉइंट्स, ये मैंने आपको जानबूझकर लिखकर इस तरह से रिटर्न में समझाए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट में आपको पॉइंट टू पॉइंट मिला है, आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है, अच्छे से क्लियर हो। मैंने पीपीटी में इससे ज़्यादा अच्छे से की जगह आपको बजाय इसमें समझाया, अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिल लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक समझेंगे। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास। म्यूचुअल फंड्स नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आते हैं, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज म्यूचुअल फंड्स से जुड़े हुए हैं, हम बैनर्स पे देखते हैं, हमारे आए दिन हमारे सामने आते ही रहते हैं म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह। क्यों आता है, क्या है इसका? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ईजी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है एज एन एडवाइजर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। करियर के अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, इन्वेस्टर के एज एन छोटे इन्वेस्टर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बहुत छोटी सी अमाउंट से, तो आज ही इन्वेस्ट कीजिए। बट उससे पहले नॉलेज भी तो चाहिए, नॉलेज कहाँ से लें? तो उसके लिए हमारा म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि प्रैक्टिकल लेवल का 0 to advanced लेवल का कोर्स है। इसके लिए लिंक पे चेक कीजिए।